आगे अगला सवाल देखते हैं। संकल्प पाटिल पूछ रहे हैं, उनका सवाल है गुजरात गैस के बारे में। तो इसमें निवेश करें तो उसका सही लेवल क्या रहेगा? गुजरात गैस जी, तो गुजरात गैस अभी वापस वही गुजरात की जो पीएसयू पॉलिसी नई आई है उस पर बात आ जाती है। जीएसएफसी में भी वो एक फैक्टर है और यहाँ पे ही एक फैक्टर बनेगा। मतलब अगर राज्य सरकार की ओर से कहा गया है अपनी सारी पीएसयूज को कि आपको ज़्यादा डिविडेंड देना है, हायर डिविडेंड देना है, और उसका एक सर्टन बेंचमार्क तय कर दिया गया है, तो फिर क्या ये एक तरह से गारंटी बन गई? मतलब पहले लोग डिविडेंड यील्ड के बारे में अंदाज़ा लगाते थे, अच्छा ये कंपनी इतना देती रहती है, पिछले हिस्ट्री देखते थे। अब यहाँ पर है कि आपके सामने एक तरह से फिक्स डिपॉजिट टाइप का हो गया कि इतने तो मिलेगा ही। ये उन्होंने जो पॉलिसी बनाई है ना, वो सिर्फ डिविडेंड के हिसाब से नहीं बनाई है, उन्होंने हर चीज का एक पैरामीटर दिया है कि आपके पास कितना कैश नेटवर्क होना चाहिए अगर आप बाय बैक करना चाहते हैं। तो इन सब का उन्होंने गाइडलाइंस बना के दिया है ओवरऑल। वो एक तरह से अच्छा है बिकॉज वो थोड़ी विजिबिलिटी क्रिएट करेगा और वोलेटिलिटी रिड्यूस करेगा। जो आप पीएसयूज हैं, आप स्टेट पीएसयूज हैं गुजरात, वो अच्छा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वो एक तरफ जो यहाँ पे गुजरात गैस में दिख रहा है सिचुएशन, वो दूसरी तरफ तो अगर वैसा है तो यहाँ पे प्राइस एक्शन में दिखना चाहिए कि अभी प्राइस एक्शन में नहीं दिख, एटलीस्ट जी, गुजरात गैस में दिख जिस रहा तरह का जीएसएफसी में दिखा वैसा तो यहाँ कुछ भी नहीं है। वैसा वैसा नहीं दिख रहा। हाँ, ये चीज मैं भूल गया आपको बताना, वो न्यूज के बाद मुझे देखा था, वो रॉकेट मूव में आया था गुजरात, स्टेट फर्टिलाइजर भी आया था, लेकिन चूंकि मेरा इन्वेस्टमेंट सेट में नहीं है इसके मैं उतना ज्यादा ध्यान नहीं देता। गुजरात गैस का ऐसा है कि ये सब लार्जली रेंज बाउंड ही है, बहुत ज़्यादा प्राइमरी स्ट्रक्चर अभी भी इसका पॉजिटिव नहीं है, तो ये मोस्टली रेंज बाउंड है आपका स्टॉक। और पॉजिटिव होने के लिए तो ऑफ कोर्स मिनिमम इसको 490 तो मिनिमम निकलना होगा, तब जाके थोड़ा बहुत ये कह सकते हैं कि ये जो बेस है 450 वाला वो तो थोड़ा हेल्प करेगा। तो 490 से 450 क्लोजर टू 8-10% का जो है उतना रिस्क रहेगा, लेकिन फिर भी 520, 530, 40 का जो रेंज है यहाँ पे फिर से स्ट्रगल करेगा बिकॉज मोस्टली स्टॉक रेंज बाउंड ही है, इसमें बहुत न तो अभी ज्यादा 460 के आसपास है, 440 का स्टॉप लॉस लगा के खरीद लें तो बुरा रहेगा क्या? मुझे इसका एक्चुअली जो पैरामीटर्स हैं वो बाई नहीं पता। एक तरफ से थोड़ा शॉर्ट कवरिंग बता रहा है, तो शॉर्ट कवरिंग अगर बता रहे हैं तो आपके पास 440 भी जाने की जरूरत नहीं है, 450 का स्टॉप लॉस काफी होना चाहिए मेरे हिसाब से। जी 450 के नीचे अगर क्लोज होता है तो 440 भी चला जाएगा, नहीं तो यहाँ पे एक बार इसमें शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होनी चाहिए। लेकिन साथ में ये भी उतना ही सच है कि ये जो ओपन है ना इसका 473-475 के पास का, ये इमीडिएट रेजिस्टेंस भी है, वो जब तक नहीं निकलेगा फर्दर मोमेंटम जो आपका आना चाहिए 485-90 तक के लिए वो भी नहीं आएगा। तो दोनों जी चीज इक्वली ध्यान रखना है, 450 नीचे पे ध्यान रखिएगा और जो इसका ओपन लेवल है या हाई लेवल समझ लें आप और फोर अगर सेवेंटी निवेश के नज़रिए से देख रहे हो तो क्या जब तक मैंने एक ट्रेंड लाइन खींचने की कोशिश की है, जब तक ये ट्रेंड लाइन पार ना हो तब तक ना सोचें? देखिए इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अगर आप इस कंपनी को देख रहे हैं तो जिस तरह से अर्निंग्स इसके आ रहे हैं, मुझे लग रहा है कि वैल्यूएशन अगर कंपेयर किया जाए तो 20-1% का अपसाइड बनता है वैल्यूएशन कंपैरिजन के हिसाब से, परफॉर्मेंस के हिसाब से। ये साल का एक क्वार्टर का रिजल्ट नहीं आया है, जरा वो देख लेते हैं, तो है रूम है ऊपर जाने का इसमें। तो ये कह सकता हूँ कि इसमें बहुत ज्यादा डाउनसाइड नहीं होना चाहिए बिकॉज वैल्यूएशन थोड़ा रिलेटिव वैल्यूएशन फेवरेबल है, अनलेस रिजल्ट डिसअपॉइंटमेंट को नहीं होना चाहिए, मोस्टली रेंज बाउंड ही रहेगा। एक बात जरूर आप इस पे ध्यान रखिएगा कि अगर रिजल्ट पे कुछ डिसअपॉइंटमेंट होती है ना, तो ये जो मैंने आपको स्टॉप लॉसेस के लेवल्स बताए हैं वो थोड़े हिट हो सकते हैं बिकॉज रिजल्ट के समय में वो बहुत एग्जैक्ट काम नहीं करता है, नहीं, लेकिन यहाँ पर फिर एक हैंगओवर शायद ये रहा है कि सेल्स का आंकड़ा है इसका जो है वो लगातार जो है वो पिछले 2-3 तिमाहियों से नीचे की तरफ है, तो शायद ये बाजार को पसंद नहीं आ रहा है, एक हैंगओवर है। हाँ, सेल्स लास्ट क्वार्टर में तो बहुत फेवरेबल नहीं था, बल्कि लेकिन पिछले उससे पिछले क्वार्टर में भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर आप देखें तो
कहानी ठीक नहीं रही है। हाँ, लेकिन अगर वाई वाई जाके देखेंगे तो कोई ऐसा नुकसान कहीं पे तो नहीं दिख रहा है मुझे, ना ही इनको किसी तरह मार्जिन पे कोई इशू आया है सिचुएशन में, भी आना भी नहीं चाहिए। गैस प्राइसेस तो ऐसे है नहीं कि मार्जिन पे इशू आएगा, और प्रॉफिट भी ठीक ठाक बन रही है, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है। तो मोस्टली यही है कि बहुत ज़्यादा यूफोरिया तभी आएगा जब आपका मार्केट न्यू हाई बनाएगा और मिड कैप सेगमेंट में भी और अच्छी बाइंग आएगी, तब जाके इसमें यूफोरिया आएगा। अदरवाइज ये भी रेंज बाउंड ही रहेगा। हाँ, वैल्यूएशन स्टैंडपॉइंट से थोड़ा सेफ्टी नेट है यही कह सकता हूँ, लेकिन बहुत कॉन्फिडेंट नहीं हूँ उसको। जी, तो निष्कर्ष में करना क्या है इसमें? कुछ नहीं, ऐसे में क्या कर सकते हैं, अगर करना है भी बहुत ज्यादा मजबूरी है तो पहला ये है कि या 450 के नीचे अगर क्लोज होता है, क्योंकि आप देखिए 460 का क्लोज है इसका, 10 रुपए का भी रिस्क ले लीजिए। अगर उसके नीचे चला गया तो ऐसे भी छोड़ दीजिए शॉर्ट कवरिंग के हिसाब से, अगर वो ट्रेड करना है तो। लेकिन इसका मेन मोमेंटम 475 के ऊपर ही आएगा, उसके पहले मोमेंटम भी नहीं आएगा, एंड दैट टू अप टू 485 490, अभी उससे ज्यादा बहुत क्लैरिटी नहीं। जी बिल्कुल,